दिल्ली में मेयर पद के लिए कई दिनों से काफी जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन आखिर जीत सच्चाई की हुई और संवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी का मेयर चुना गया। शैली ओबराय दिल्ली नगर निगम की मेयर चुनी गई, इसको लेकर आम आदमी पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा हो गया और अब दिल्ली में प्रभावशाली तरीके से विकास होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी प्रकरण के चलते आम आदमी पार्टी पिहोवा के कार्यकर्ताओं ने गहल सिंह संधू के नेतृत्व में बार रूम के बाहर एसडीएम कॉम्प्लेक्स में ये जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया और लोगों को लड्डू बांटे। आम आदमी पार्टी नेता गहल सिंह संधू ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि तानाशाही धक्काशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इस देश में संवैधानिक तरीके से एवं लोकतांत्रिक तरीके से ही कार्य होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे दिल्ली के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली और पंजाब में है, स्थितियां पूर्ण रूप से बदल रही हैं, जनता चैन और सुख की सांस ले रही है, आने वाला समय हरियाणा का है। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से संदीप मलिक की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों को, अपने इलाका निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में लोगों का मत जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, लेकिन पिछले कुछ 3-4 महीनों से लोकतंत्र में दिल्ली के लोगों ने अपना मत आम आदमी पार्टी के हक में दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने यदा कदा जो है उसका विरोध करते हुए अपना मेहर बनाने की कोशिश करी, लेकिन और हमारे जो है मेंबरों को लोभ लालच देने के हर हथकंडे बनाए गए, लेकिन फिर भी हमारा कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जिसने अपने जो है अपने स्टैंड पे रहा और लोगों के दिए हुए मत का मान सम्मान किया। और आखिर में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता से दोबारा इलेक्शन हुई और उस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई, बड़ी बुरी तरह बीजेपी को मात खानी पड़ी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन बीजेपी वालों को, अपनी हरियाणा सरकार को और साथ ही साथ केंद्रीय सरकार को, कि लोगों को, लोग सर्वप्रिय हैं, आदरणीय मोदी जी आपको भी इन्हीं लोगों ने बना रखा है, आप लोगों के मत का जो है सम्मान किया करो, आप लोगों की राय का। तक आदरणीय सिसोदिया जी का सवाल है, उसके बारे में पहले सीबीआई ने उसके घर में रेड करी, सारी एजेंसियों से तहकीकात कराने के बावजूद जब कुछ नहीं मिला तो ये चुप करके बैठ गए। अब इनकी मंशा क्या है केंद्रीय की, केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की मंशा सिर्फ केवल यही है कि आम आदमी पार्टी का जो है सारे हिंदुस्तान में फैलाव जो है बड़ी तेज़ी से हो रहा है और आने वाले 2024 में इनको अपनी जड़ें चूल्हे हिलती दिखाई दे रही हैं, इसलिए ये हमारे नेताओं को बहाने बना बना कर किसी आप आदेश दे दिया कि उसको जब